नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज़ और मैं हूं प्रियांक सौरभ। दोस्तों, जैसा कि हमने वादा किया था कि बिहारी न्यूज़ अपने नए सेगमेंट बिहारी मुहिम के माध्यम से उठाने जा रहा है एक ऐसा कदम जिससे होगा समाज का कल्याण। दोस्तों, इस मुहिम के माध्यम से हमने स्लम एरिया के बच्चों को चिड़ियाघर की सैर कराई और उन्हें दी वन्य जीव के बारे में विशेष जानकारी। देखते हैं अपने इस खास रिपोर्ट में। बिहारी न्यूज़ की मुहिम बिहारी मुहिम एक कदम समाज के कल्याण और ज़रूरतमंद के लिए निकल चुकी है, जिसकी पहली मंजिल पटना के स्लम बस्तियों में रहने वाले उन तमाम गरीब बच्चों के बीच खुशियां बांटने की है जो कई प्रकार के अभावों में जीने को मजबूर हैं। पटना के मछुआ टोली के स्लम क्षेत्र के बच्चों के बीच शिक्षा की अलख जगा चुकी संस्था BJM के निदेशक व शिक्षिका शैली विनोद की सहायता से बिहारी न्यूज ने उन गरीब बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की एक पहल की है। जिसके लिए हम उन्हें ले गए हैं पटना का चिड़ियाघर। पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार तैयारी पूरी हो चुकी थी। रविवार 25 नवंबर को हम जैसे ही उनके शिक्षण संस्थान पहुँचे, बच्चे पहले से ही पूरी तैयारी के साथ हमारी टीम और वाहन का इंतजार कर रहे थे। बिहारी न्यूज की टीम ने BJM के सहयोग से सभी बच्चों को निजी गाड़ी में आराम से बिठाया और संस्था की कई शिक्षिकाएं भी बच्चों की देखभाल के लिए चिड़ियाघर हमारे साथ गईं। बच्चों के चेहरे पर एक अलग प्रसन्नता झलक रही थी। सभी बेसब्री से चिड़ियाघर पहुंचने का इंतजार कर रहे थे। इस दौरान बच्चे बस में चिड़ियाघर के जानवरों के बारे में अपनी शिक्षिकाओं से चर्चा भी करने लगे। बच्चों की जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। उनकी जिज्ञासा को देखकर हमें इस बात का एहसास हुआ कि इन बच्चों के सपने तो बहुत हैं, परंतु इनके सपनों के उड़ान के लिए पंख लगना बेहद जरूरी है। दोपहर के करीब 1 बजे हम चिड़ियाघर पहुंच चुके थे। सभी बच्चे बेहद खुश थे। बिहारी न्यूज और BJM के सदस्यों द्वारा लगातार बच्चों पर नजर रखी जा रही थी। चिड़ियाघर के अंदर पहुंचते ही बच्चों का उत्साह और खुशी से दुगुनी हो गई। बच्चे बड़े ध्यान से और उत्सुकतावश जानवरों को देख रहे थे। बच्चों की खुशी उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। आखिर खुश क्यों न हो, किताबों में देखने वाले जानवरों को वो आज साक्षात जो देख रहे थे। तभी बच्चों की नज़र चिंपैंजी पर पड़ी, जिसे देख सभी बच्चे खुशी से उछलने लगे और कुछ ने तो उसकी नकल भी उतारनी शुरू कर दी। बच्चों की मासूमियत भरी नकल को देखकर उनकी खुशियों का अंदाजा लगाया जा सकता है। अब बारी थी व्हाइट टाइगर की, जिसे देखते ही बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बाघ अपने बारे में ऐसे टहल रहा था जैसे कोई मॉडल कैटवॉक कर रहा हो। बाघ के इस अंदाज को बच्चे और बड़े सभी बड़े मजे से देख रहे थे। कुछ बच्चों ने तो बाघ की आवाज़ निकाल अपने दोस्तों को डराने का एक मासूम प्रयास भी किया। इस दौरान BJM के निदेशक शैली विनोद ने सभी बच्चों को बाघ के बारे में कई रोचक जानकारी दी, जिसे बच्चे बड़े ही आश्चर्य और जिज्ञासा से सुना। बच्चे TIGER टाइगर कहते हुए आगे बढ़ने लगे। रविवार के दिन को होने के कारण चिड़ियाघर में भीड़ भाड़ अत्यधिक थी। ऐसे में बच्चों को संभालना मुश्किल लग रहा था। परंतु टीम ने बेहद शानदार तरीके से बच्चों को एकत्रित कर चिड़ियाघर घुमाने का काम किया। अब बारी भालू की थी। बड़े बड़े बाल वाले काले भालू को देखकर बच्चों ने खूब ताली बजाई। कुछ बच्चों ने तो भालू की कविता भालू को सुनाने लगे। बच्चों की इस मासूमियत से भरे प्रयास से सब खिलखिलाकर हंस पड़े।
बच्चे चिड़ियाघर का भरपूर मजा ले रहे थे। उनकी थकावट उनके उत्साह और खुशी के सामने फीका था। उनकी आंखों में एक असीम खुशी झलक रही थी, मानो वे इस स्वच्छंद आकाश को चूमना चाहते हों। अब पूरी टीम बच्चों के साथ मछलीघर के तरफ गई। मछलीघर में पहुंचकर इतने सारे रंग बिरंगे मछलियों को देखकर उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। बच्चों के मन में कई प्रश्न आने लगे। तभी शैली ने उन्हें मछलियों के जीवन रहन सहन के बारे में विस्तार से बताया। बच्चे मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, गाते हुए मछलीघर से बाहर निकले। दिन ढलने लगा था, शाम के 3:30 बज चुके थे। बच्चे अब थकने लगे थे और उन्हें भूख भी लगी थी। बिहारी न्यूज की टीम ने सभी बच्चों को एक खास एवं साफ सुथरा जगह पर बैठाया और सभी सदस्यों के साथ बच्चों ने जमकर खाने का लुत्फ उठाया। ठंड का मौसम होने की वजह से शाम जल्द होने लगी थी और ठंड का एहसास भी होने लगा था। इस स्थिति को देखते हुए हम सबों ने घर वापस आने का फैसला किया। सभी बच्चों को चिल्ड्रेन पार्क घुमाने के बाद उन्हें गाड़ी में बैठाया गया। सभी बच्चे थक चुके थे परंतु बेहद खुश थे। सब ने टीम को बाय बाय कहा और बिहारी न्यूज की टीम ने उन्हें घर तक छोड़ने का काम किया। बच्चों के चेहरे पर खुशियां बिखेरने की इस बिहारी मुहिम में हमें विभिन्न साथियों ने आर्थिक रूप से सहयोग भी किया, जिसमें दिव्या विश्वास पटना, डॉक्टर सुजीत कुमार फिजियोथेरेपी क्लिनिक कंकड़बाग, राहुल रंजन अशोक राजपथ पटना, दीपम कुमार बेंगलुरु के साथ कई मित्रों ने भी सहयोग किया। आप सभी को बिहारी न्यूज की टीम की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि स्लम एरिया के बच्चों को किस तरह से चिड़ियाघर की सैर कराई गई और उन्हें वन्य जीवों के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। हम अपने इस मुहिम के माध्यम से आगे भी ऐसे कई सारे पहल करने वाले हैं जिससे होगा समाज का कल्याण। अगर आपको हमारा यह पहल पसंद आया हो तो आप भी हमारे इस मुहिम के साथ जुड़ सकते हैं फेसबुक पेज बिहारी मुहिम के माध्यम से। और बिहार के तेजी से उभरते न्यूज पोर्टल बिहारी न्यूज को लाइक करें और बिहार के हर छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहें। धन्यवाद।